हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लर्नर्स। एंड आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एसएसटी पोर्टल पे मंथली परफॉर्मेंस एंट्री जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो वीडियो को ज्यादा डिले नहीं करते हैं एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं कि एसएसटी पोर्टल पे हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। तो मैंने उस साइट को अपने फोन पे ही सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, एज अ ऐप वो दिखता है। तो उस पर मैं जाऊंगी। मैं आपको लिंक जो है एसएसटी पोर्टल का वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे वो जो एसएसटी पोर्टल का जो साइट है वो खुल गया है। एंड मैं यहाँ पे अगर जूम करती हूँ तो यहाँ पे मुझे HWC CHO परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। अभी उस पर क्लिक करने के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखेगा। नाउ एज सून एज आई क्लिक ऑन द यूज़र नेम, मेरा ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड सेव्ड है तो वो मैं डाल दूंगी यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया है, कैप्चर दिया गया है, वो मुझे यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं पहले। ओके, तो ये कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम करता है कि एंटर नहीं होता है, बट हम लोग को ये करते रहना है। सो खुल गया है, ठीक है। नाउ जैसा कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक बार सेव कर लिया है ना तो ये पहले वैसा ही आएगा, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन से वैसे ही आ जाता है। तो आपको चेक करना है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मंथ आपको चूज करना होता है, तो मंथ मैं चूज करूंगी जुलाई का, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लूंगी मैं, देन नेक्स्ट में मेरा ब्लॉक है, देन सब सेंटर का नाम है, तो सब सेंटर का नाम चूज करना पड़ेगा। ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको ऑप्शन आएंगे जैसे ही आप अपना वो चूज करोगे। तो इसके बाद एक ये चीज आएगा तो मैं ओके दबा दूंगी इसमें, ठीक है। तो इसके बाद ओके, नंबर ऑफ विलेजेस मेरे 6 हैं, पॉपुलेशन ऐसे हैं, ठीक है। जो टारगेट है ये पहले से सेव किया हुआ है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो आपका सेव नहीं भी हो सकता है, तो आपको वो सेव करना होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये सब जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको सेम ऐसे डायरी में मिलता है। ओके, ये जो पेज हम लोग देते हैं मंथली ब्लॉक पे, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। तो नंबर ऑफ विलेजेस के बाद पॉपुलेशन टारगेट है, एनुअल टारगेट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है, डेट ऑफ सबमिशन तो आज 3 तारीख है आई गेस, तो नहीं आज 2 तारीख, सॉरी 3 तारीख है, तो मैं 3 तारीख का देने वाली हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पॉपुलेशन ऑफ अबव 80 ईयर्स, तो वो सर्वे करके आपको कितना मिला वो डालेंगे आप एस्टिमेटेड। तो ये सब पहले से सेट है बिकॉज मैंने पिछले मंथ का भी यहाँ पे किया था। ओके, नाउ यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज आ नहीं रहा है तो आपको थोड़ा ऐसा जूम बैक फॉरवर्ड करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास क्या आया है, तो ये देखिए मैन पावर में क्या होता है कि नंबर ऑफ ANM, तो आपको नंबर ऑफ ANM जिस 3 करके नहीं लिखना है, गेट ANM डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी लिस्ट आएगा आपको इंक्लूड ऑल सेलेक्टेड करना है एंड योर सेलेक्टेड, ठीक है, देन क्लोज करना है इसको। तो क्लोज करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, देखिए 3 आ गया है। ओके, नंबर ऑफ MPW, तो नंबर ऑफ MPW मेरे 0 है तो उसमें और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ आशा, इसमें भी आपको गेट डाटा पे मारना पड़ेगा। ना बहुत सारे लिस्ट है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, तो आपको अपनी आशा का नाम यहाँ पे ढूंढना होगा। ओके, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाऊंगी सबसे पहले। तो ये हो गया, देन जितना मैंने टिक किया है उनको इंक्लूड करना है आशा में। ओके, एंड क्लोज मार देना है। तो ये यहाँ पे आ गया होता है, ठीक है। ये देखिए आशा का नाम जो भी मैंने सिलेक्ट किया था सब आ गया है, देन मेरा ऑलरेडी नाम सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो CHO स्टेज दैट क्वार्टर नो पे टिक करना है, अगर आप रहते हैं तो हाँ पे टिक करना है, गवर्नमेंट क्वार्टर अगर हुआ तो। ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले से फिल्ड अप होते हैं, जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ नेम ऑफ ANM, उनका एम्प्लॉयमेंट ID, ये सब ना, तो ये सब ऊपर ही होता है, मतलब पहले से ही होता है, फिक्स होता है ना। फिर से ये ऐसे हैंग का प्रॉब्लम दिखाएगा, तो आपको ऐसे जूम, और तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हाँ मेरे पास लेबर रूम नहीं है तो मैं नो लिख रही हूँ, जिनके पास है वो हाँ लिख सकते हैं। CHO क्यूबिकल, नाउ आपका आपके सब सेंटर पे एक रूम है क्या, रूम इन अ सेंस बैठने का रूम, अगर कॉमन रूम है देन आप नो लिख सकते हो, अगर कॉमन रूम नहीं है जैसे अलग रूम है आपके लिए तो वो आप यस देखोगे। इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो हाँ, वाटर सोर्स, पावर बैंक मतलब इन्वर्टर अगर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। CHO क्वार्टर अवेलेबल नो, ANM क्वार्टर अवेलेबल नो। तो एक रूल है कि जैसे ही एक सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्टेड होता है, ANM जो है वो क्वार्टर पे नहीं रह सकती हैं, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखें।
नाउ अभी आती है इक्विपमेंट्स की बारी। तो इक्विपमेंट्स में क्या है, डिलीवरी टेबल मेरे यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, तो ये आप अपने जगह के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मेरे पास पहले से टिक किया हुआ है तो मैं इसको और चेक नहीं करूंगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वाले पैटर्न के ऊपर। ओके, अभी ये वाला ट्रेनिंग से रिलेटेड है। नाउ ट्रेनिंग में क्या है, SBA ट्रेनिंग जिनको मिली है उनका आप क्लिक कर दोगे। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है। NSS के ट्रेनिंग अगर किसी को मिली है आप क्लिक कर दोगे। IOCD ट्रेनिंग किसी को मिली है क्लिक कर दोगे। जस्ट क्लिक करना है आपको एंड ये टिक हो जाएगा लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है आपका VHSNC। तो वेदर HWC सब सेंटर मंथली मीटिंग हेल्ड, तो यस लिखोगे। कितने कंडक्ट हुए सेशन उसका, उसमें आप कितनी बार प्रेजेंट हो वो लिखना है। ठीक है, तो मेरे चार एरियाज हैं उनमें चार बार VHSNC होता है, मतलब हर जगह पे एक बार होता है तो मैं एक ही बार अटेंड करती हूँ, तो दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड इट इन दिस वे। टोटल पॉपुलेशन एडमिशन डन। नाउ दिस इज ऑफ NCD सर्वे, आपके NCD पर हेड काउंट में कितना पॉपुलेशन सर्वे आपने किया है। ओके, तो ये मैं बढ़ा के अभी 7600 कर दूंगी जो कि मेरा कंप्लीट सर्वे है। ठीक है, 7588। ओके, इस बार मेरा CBAC बहुत कम हुआ है तो वो मैं दे दूंगी कितना फिलअप हुआ है। ठीक है, नाउ एलिजिबल कपल्स मेरे सेम रहेंगे यहाँ पे, तो अगर आप वहाँ पे आप लिख सकते हो एलिजिबल कपल्स कितने हैं उसके हिसाब से। ओ, और एक बात, जब यहाँ पे एक चीज़ मिलता है आपको, नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स EC एंड नंबर ऑफ EC अपडेटेड इन RCH पोर्टल, तो ये दोनों जो है नंबर सेम होना चाहिए ताकि आपका जो क्रेडिट है वो अच्छा रहे। ओके, स्कोर है वो अच्छा रहे। देन नंबर ऑफ बेनिफिशरीज काउंसल्ड फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नाउ ये आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, जितने लोगों को आपने CC दिया है, जितने लोगों को आपने OCP दिया है या IUCD दिया है, ठीक है, या फिर और भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनके ऊपर एडमिनिस्टर्ड हुआ है, उन सभी का टोटल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जो हमारा कॉलम है उसमें हम जो हमारा जो चार्ट है वो फिलअप करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंट वुमेन रजिस्टर्ड, तो उसमें कितने इसी महीने को रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्टर्ड हुए हैं। ट्राई कीजिए कि आपका जो नंबर ऑफ प्रेगनेंट वुमेन रजिस्टर्ड है वो विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर रजिस्टर्ड हो जाए। यहाँ पे एक और बात है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब हम समझते हैं 3 months, बट अकॉर्डिंग टू द पोर्टल इट इज अराउंड 84 days। तो विद इन आफ्टर कंसीविंग विद इन 84 days ऑफ कंसीविंग द चाइल्ड उनको रजिस्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, then it is counted as first trimester में entry, then full full ANC checkup and HB test, तो वो मेरा कितना है 13 है। तो जिन लोगों का fourth antenatal checkup हो गया है, okay, hemoglobin test के साथ, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। then number of HB incident, okay, now this is actually the entire month, आप entire month में आपने कितने ANC किए and कितने आपके HB टेस्ट हुए, उन सभी का यहाँ पे ग्रैंड टोटल होता है। ओके, नाउ यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एक और चीज आपको मिलता है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यू फॉर 4th ANC। इसका मतलब ये है कि इस महीने को आपका कितना 4th एंटीनेटल चेकअप होना था और नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें कितने एक्चुअल में हुए। ठीक है, तो वो आपको ये मेंशन करना है कि दोनों जो है सेम होने चाहिए, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर सेम नहीं है इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का नहीं हुआ है। ये मेरा सेम है, तो मेरे यहाँ पे सेंटर्स पे डिलीवरी नहीं होती है, तो अगर आपके सेंटर पे डिलीवरी होती है तो आप ये वाला सेक्शन भर सकते हो। नंबर ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड एट द सब सेंटर बाय CHO बाय ANM, टोटल डिलीवरीज, होम डिलीवरीज, नंबर ऑफ केसेस रेफर्ड। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ केसेस रेफर्ड है ये उन्हीं के लिए है जिनका डिलीवरी सेंटर है अपने HWC पे। तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई डिलीवरी के लिए आया एंड देन आपने देखा कि पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड है या फिर प्रेगनेंसी केस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, अबनॉर्मलिटी हो सकती है एंड आपने रेफर कर दिया है, देन ओनली दिस इज काउंटेड इन दिस कॉलम। ठीक है, नाउ टोटल इम्यूनाइजेशन, तो टोटल इम्यूनाइजेशन मतलब इस महीने को कितना इम्यूनाइजेशन होना था एंड नेक्स्ट वाला जो कॉलम है इस महीने को कितना इम्यूनाइजेशन हो गया है। सॉरी, ओके, देन नेक्स्ट वाला कॉलम है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन चाइल्ड बॉर्न इन लास्ट 2 months, यानी कि जुलाई एंड मई। अगर मैं जुलाई का रिपोर्ट दे रही हूँ देन जुलाई का एंड मई का रिपोर्ट ये मांग रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू फॉर HBNC विजिट, ड्यू फॉर HBNC विजिट मतलब कितने बच्चे हैं जिनको HBNC विजिट मिलने हैं। इनका इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि इस महीने जो बच्चे
जन्म लिया है, जो जिन बच्चों ने जन्म लिया है, और लास्ट मंथ को जिन बच्चों ने जन्म लिया है, उनका टोटल मिला के होगा HBNC विजिट का टोटल नंबर। ठीक है, ओके। नाउ नंबर ऑफ 6 न्यूबॉर्न रेफर्ड, तो उसमें आप अगर आपने किसी न्यूबॉर्न को रेफर किया है, देन आप वहां पे लिखेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फुल इम्यूनाइज, तो फुल इम्यूनाइजेशन जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है उनका नंबर आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर यहाँ पे आपके पेशेंट्स के नंबर है, लाइक डायरिया के पेशेंट जिनको आपने ORS और जिंक देके ठीक किया है, देन किन पेशेंट्स को, डायरिया पेशेंट्स को हायर फैसिलिटी में रेफर किया गया है, ओके, देन निमोनिया के केसेस, देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैम चिल्ड्रन, तो सैम चिल्ड्रन कितने हैं, सैम चिल्ड्रन यानी कि लो वेट चिल्ड्रन या फिर कोई एबनॉर्मलिटी वाले चिल्ड्रन अगर कोई हैं तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव फुल इम्यूनाइजेशन, एक था कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव फुल HBNC विजिट, ओके, तो जिनका HBNC विजिट कंप्लीट हो गया है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे। अभी यहाँ पे डायबिटीज और हाइपरटेंशन एंड ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके आते हैं, मतलब मेनली हमारे NCD का जो रिकॉर्ड है वो मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जितना भी है वो लिख देंगे। इस बार इस महीने मेरा स्क्रीन था 12, देन दिस इज ओके, सॉरी नॉट 12, सस्पेक्टेड 12 है, दिस इज 45, 12, इसमें मेरे 14 प्लस 12 इज 26, ठीक है, देन हाइपरटेंशन भी 45 है, सो दिस इज 30, रेफर्ड 30, हाइपरटेंशन रेगुलर। अच्छा, अभी जो अंडर रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप है ना, वो वाला हम पिछले मंथ का भी इंक्लूड करेंगे, जो लोग फॉलोअप है उनको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे फॉलोअप में कितना आएगा, लास्ट मंथ का मेरा अभी तक 40 था, तो 40 प्लस 30 वुड बी 70। नाउ यहाँ पे तो मैंने टोटल ही लिखा है एंड देन जीरो सस्पेक्टेड, तो ब्रेस्ट कैंसर मेनली फीमेल्स का होता है, तो आप फीमेल्स वाला को काउंट कर सकते हो एंड यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, सस्पेक्टेड जीरो होते हैं ज़्यादातर मेरे यहाँ पे, ओके ओके, तो हम लोग ये वाला सेक्शन क्रॉस कर देंगे। इस सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, कितनों को आपने स्क्रीन किया, कितनों को आपने सस्पेक्ट किया एंड रेफर किया, एंड कितने जो है रेगुलर फॉलोअप ट्रीटमेंट पे है, बेसिकली वही ये चीज मांग रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, नाउ टेस्टिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, सो जो जो टेस्ट आपके यहाँ पे होते हैं उसको आप अवेलेबल करोगे एंड आप नंबर लिख दोगे। ठीक है, ओके, ये वाला आपका जो किट है ये स्लाइड प्लस किट प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप टोटल लिख दोगे, तो स्लाइड में भी टेस्टिंग होती है एंड जो रैपिड किट है उसमें भी टेस्टिंग होती है, तो दोनों इंक्लूड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देन ड्रग्स के बारे में पूछा गया है, तो कितने हैं आपके पास, 19 EDL में से जो 19 ड्रग्स है वो आपके पास है कि नहीं वो लिखना है, देन कौन सा मिसिंग है, तो बहुत दिनों से मेटफॉर्मिन मिसिंग है, तो जो भी मिसिंग है आप लिख सकते हो, देन ऑल्टरनेटिव ड्रग अगर प्रेजेंट है तो वो आप यस करोगे, एंड देन क्या ड्रग प्रेजेंट है वो आपको लिखना होता है, कितने पेशेंट्स को मेडिसिन मिले हैं, ठीक है, तो वो आपको लिखना होता है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट OPD का आता है, तो OPD में आप अपना OPD का जो काउंट है वो लिख दोगे, ओके, एंड देन यहाँ पे लास्ट में कुछ पेशेंट्स के रिकॉर्ड मांग रहा है कि कितने लोगों का आपने TB टेस्ट कराया है, TB स्पूटम टेस्ट, AFB टेस्ट कराया है, ठीक है, कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं, कितने लोग करेंटली डॉट्स ले रहे हैं एंड कितने लोग का कंप्लीट हो गया है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मलेरिया के कितने टेस्ट केसेस मिले हैं आपको। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको सेव डाटा कर देना है, यहाँ पे सेव करते ही आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस वॉज इट गाइस, ऐसे ही आप अपना SSG पोर्टल जो है वो फिलअप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ID पासवर्ड जो है वो आपको आपके ब्लॉग
के मेंबर्स से मिल जाएगा, तो आप उनके पास जाके ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है कि कैसे मैंने फिलअप किया या फिर कैसे मुझे मिला ये डाटा, तो ये एक्चुअली हम लोग साथ में बैठ के, मैं, एनम्स, आशा जो है, हम लोग जब मंथली डायरी लिखते हैं, हम लोग साथ में बैठ के लिखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमारा जो रिपोर्ट है वो चारों तरफ से मतलब को रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक रिपोर्ट डाल दिया और मेरी एनम ने एक रिपोर्ट डाल दिया। सो वी ऑलवेज सिट टुगेदर एंड राइट दिस रिपोर्ट टुगेदर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो एट दैट मोमेंट, ओके। तो इसी तरह आप फिलअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।